hello dearest parents, i hope all of you are enjoying the concept talk. the kelly theorem concept talk was a beautiful concept. i got your messages as well. <laughs> yes, actually as a teacher, we always uh, felt that too while taking the lecture. we have done well or not. so it was very beautiful. thank you. thanks for the appreciations. anyways, so today we are gonna do one more important concept over which upsc regularly asks questions but where we struggle why we are not able to summarize the concept at one place what is the problem behind that ऐसा क्या है कि सब ग्रुप में कभी वो प्रोसेस एंड ही नहीं होता समझ ही नहीं आता कि टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाना है कि वन स्टेप लगाना है कि डेफिनेशन से चेक करना है कि एक्सप्लोर करना है क्या करना होता है एक्चुअली तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रिसाइज होने वाला है मीन वाइल यू विल कम टू नो कि यार सब ग्रुप के नाम पर सोचा तो था बहुत आसान सा होगा छोड़ो क्या करना है इतना तो जानते हैं लेकिन एंड ऑफ द सेशन जो आज आपको कॉम्पैक्ट पिक्चर मिलने वाला है अब बोलेंगे सर अभी दे दो तो हम जल्दी से खत्म कर दें भाई अभी देने को कुछ हो ही नहीं सकता उस पर वो एक प्रोसेस है जो अगले 20 मिनट में मैं इवॉल्व करूंगा आपके अंदर ठीक है सो इंस्टीट्यूंट लेट्स स्टार्ट सो ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं सब ग्रुप्स के बारे में और मैं आपसे ये कहूंगा कितना ही इजी लगे एक भी सिंगल सेकंड को स्किप मत कीजिए ठीक तभी चीजें कनेक्ट हो पाएंगी कितना ही इजी लगे कोई दिक्कत नहीं एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द सेशन आपको पता चलेगा कि यार कहां कहां कमियां थी मुझमें ठीक चलो सब ग्रुप्स को एक्सप्लोर करते हैं सो देखिए लेट एच बी और नॉन इम्पिटी सबसेट हर वर्ड का अपना मीनिंग होता है लेट एच बी अ नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ कैपिटल जी ठीक है कोई जी आपके पास सेट दे रखा है उसका नॉन एम्पटी सबसेट एच आपने ले लिया ओके okay? अब आप देखिए यहां पर क्या कहा जाता है एच स्टार मींस यू हैव एसोसिएटेड वन कंपोजिशन विद द सेट एच एच स्टार इज सेड टू बी ए सब ग्रुप ऑफ जी स्टार इफ एच स्टार इट्स सेल्फ इज अ ग्रुप ये तो हो गई भाई डेफिनेशन सब ग्रुप की डेफिनेशन ये हो गई ठीक है क्या बोला कि आपने कंपोजिशन को सेम रखना है जो कंपोजिशन ग्रुप का होगा वही कंपोजिशन सब ग्रुप के लिए कंसीडर करना है ठीक है सॉरी उसमें कोई भी कोताही नहीं चलेगी अब आप कहेंगे कि सर अगर H को खुद को ग्रुप दिखाना होगा इसका मतलब क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स सब दिखाना होगा तो फिर फायदा क्या हुआ आपके कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड करने का राइट चले सो नाउ आई एम गोना टेल यू यूपीएससी को कैसे एड्रेस करना है देखिए ध्यान से सभी लोग यूपीएससी के अगर पैटर्न को मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग कहती है जितना मैंने इसको एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर एक्सप्लोर किया है और यूपीएससी ही नहीं भाई तुम कुछ भी कर लो सब ग्रुप को जितना मैंने एक्सप्लोर किया है उसके अंदर आपके पास तीन तरीके से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं वे वन क्या होता है टू चेक अच्छा सब ग्रुप को ये जो लाइक इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ओके इसको ऐसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेड बाई दिस तो टू चेक एच स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ जी स्टार अपने को चेक करना पड़ेगा एच स्टार सेटिसफाइज क्लोजर एक्सियम, ठीक है एच स्टार सेटिसफाइज एसोसिएटिव एक्सियम, एच स्टार सेटिसफाइज आइडेंटिटी एक्सियम, एच स्टार सेटिसफाइज इनवर्स एक्सियम, मीन्स पहला वाला जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है या जो रास्ता है सब ग्रुप चेक करने का वो जाता है कि उस पर्टिकुलर सब स्ट्रक्चर को ग्रुप की सारी एग्जियम सेटिस्फाई कराते हुए चेक करना फिर विल हैव सम एग्जाम्पल्स एज वेल हियर लगे हाथ कर ही देते हैं क्या दिक्कत है फॉर एग्जाम्पल चेक टू जेड कॉमा प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड कॉमा प्लस या थ्री जेड कॉमा प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड कॉमा प्लस और कोई भी एम जेड मीन्स एम मल्टीपल इंटीज राइट इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस लेट से दिस वी विस्ट टू चेक राइट अब हमारे पास क्या है कि अगर मुझे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको दिखाना चाहता हूं ध्यान से देखेंगे सब लोग और यहां पर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा कि मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखना उतना टफ नहीं होता है अगर मान लो मुझे क्लोजर चेक करना हो ध्यान से देखिएगा सो लेट ए बिलोंग्स टू टू जेड अगर ए टू जेड में है तो ए टू का कोई मल्टीपल होगा कि नहीं होगा बोलो है ना लेट बी बिलोंग्स टू टू जेड तो बी अगर टू में जेड में है तो यह टू मल्टीपल ऑफ समीजर होगा या नहीं अब मैं आपसे कहूं ए प्लस बी विल बी वॉट टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा सो देट इज अगेन बिलोंग्स टू टू जेड और नॉट लिखना ही तो सीखना है लिखना ही तो सीखना है चलिए क्लोजर हो गया एसोसिएटिविटी के बाद बात करें इंटीजर्स फॉलोस एसोसिएटिविटी तो टू जेड भी फॉलो करेगा एसोसिएटिविटी जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट और टू जेड के अंदर जीरो भी मिलेगा इनवर्स अगर टू की बात करेंगे तो माइनस टू इज द एडिटिव इनवर्स फोर की बात करेंगे तो माइनस फोर सो अगेन कहने का मतलब इन्वर्स भी टू जेड के अंदर मिल जाएंगे तो जो मैंने आपसे कहा है वो चारों पार्ट हैं इस वे से जाने के क्लियर है अब इसको याद कैसे रखना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है तो उसका लिए मैं आपको बोल देता हूं एग्जाम पॉइंट क्योंकि आगे जब आप कोसेट थियरी या फैक्टर ग्रुप्स पढ़ते हैं तो वहां पर ये आपको काफी महत्वपूर्ण पॉइंट लगेगा क्या है ओनली पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ जेड कॉमा प्लस आर एम जेड कॉमा प्लस वन टाइप मीन्स टू जेड थ्री जेड फाइव जेड सिक्स जेड एम जेड टाइप के ही जो सब ग्रुप होते हैं वही जेड प्लस एफ के टोटल मतलब ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं इसके अलावा लाइक वन बाई थ्री इंटू जेड टाइप का कोई भी सब ग्रुप नहीं मिलेगा आपको क्लियर बात है या नहीं वुड लाइक टू गिव यू वन टास्क हियर इज बल क्या टू जेड यूनियन थ्री जेड को जेड का सब ग्रुप शो किया जा सकता है चेकड आउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की टू जेड यूनियन थ्री जेड या टू जेड इंटरसेक्शन थ्री जेड या एम जेड यूनियन एन जेड क्या इस टाइप के स्ट्रक्चर जेड प्लस के सब ग्रुप बनने की औकात रखते हैं या नहीं तो वाई फॉलोइंग दिस सेम प्रोसीजर ट्राई टू क्रॉस चेक वट हैो वट यस फेयर चले लेट्स मूव ऑन द वे टू नाउ सभी लोग बोर्ड पर आएंगे वे टू क्या है सब ग्रुप के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसी कॉन्सेप्ट टॉक में मैं सारी चीजों को समराइज करने की कोशिश करूंगा डियर फेलोज वेन यू गो वाई योर कॉलेज लेवल बुक्स और कॉलेज लेक्चर्स यू फाइंड की यू हैव स्टडीड एन नंबर ऑफ टेस्ट फॉर सब ग्रुप्स वन स्टेप टू स्टेप दिस दैट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू स्टक जस्ट ऑन वन टेस्ट खत्म कहानी जो कि मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं ठीक है वे टू जो है दैट इज बेसिकली द नेसेसरी ध्यान से देखेंगे सब लोग क्योंकि तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इसका प्रूफ ही आपसे पूछ लिया जाए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए गिवेन एच स्टार टू बी सब ग्रुप ऑफ जी स्टार ठीक है मीन्स ये क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स चारों के चारों ग्रुप की तरह यूज चेक करने के बजाय हम आपको एक टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि वेदर दैट गिवेन स्ट्रक्चर इज अ सब ग्रुप और नॉट ठीक है सो बेसिकली यहां पर जो इसका स्टेटमेंट होगा वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है आप चाहेंगे तो मेरी तरह उसको एंजॉय कर सकते हैं देखे लेट एच बी नॉन एमपीटी सबसेट ऑफ जी अंडरलाइन करेंगे वर्ड नॉन एमपीटी को ठीक है क्यों करा रहा हूं अभी आपको पता चलेगा इस चीज के बारे में ठीक स्टेट लेट एच बी अ नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ जी ठीक है तो स्टेटमेंट कहता है एच स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ जी स्टार इफ एंड ओनली इफ क्या इफ एंड ओनली इफ फॉर ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच एम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच अब कई सारे लोगों को मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको नेसेसरी एंड सफिशियंसी का बेटर पिक्चर ही क्लियर नहीं होगा है तो बताइए वट डज इट मीन हियर The necessary and sufficient condition. बोलिए एनी चले तो डियर फेलोज इसका मीनिंग क्या है मैं उसको आपको एक्सप्लोर करके बताना चाहूंगा ठीक है और बेथरी बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है तो उसको तो मिस मत कीजिए क्योंकि यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स पूछा है लेकिन इसको भी मैं कहूं अगर प्रूफ ही पूछ ले तो क्या होगा तो मैं यहां अपनी तरफ से आपको थोड़ी सी मेहनत करने जा रहा हूं किसके लिए जो हमने वे टू में जो स्टेटमेंट लिखा है उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं देखिए द नेसेसरी पार्ट सभी लोग बी ऑन द बोर्ड प्लीज नेसेसरी पार्ट क्या है यहां पर लेट एच बी अ नॉन इंपिटी सबसेट ठीक है लेट एच स्टार बी अ सब ग्रुप ऑफ जी स्टार देन प्रूविंग फॉर सॉरी प्रूविंग दैट द कंडीशन कौन सी कंडीशन फॉर ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच एम्प्लाइज ए बी इनवर्स इज अगेन इन एच होल्ड नेसेसरली दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द गिवेन स्टेटमेंट का इनिशियल पार्ट कि अगर वो सब ग्रुप है तो इस कंडीशन को नेसेसरली होल्ड करना पड़ेगा ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं तक, बहुत बढ़िया चलिए तो अब इसको कैसे प्रूव किया जाना है देखिए ध्यान से सिंस एच स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ जी स्टार दिस इंप्लाइज एच स्टार इज क्लोज्ड एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड और नॉट बोलो इफ ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड सो वट यू कैन से हियर इज फॉर ए बिलोंग्स टू एच और चूंकि ये ग्रुप है तो उसके अंदर इनवर्स एलिमेंट्स भी आ रहे होंगे सो बाई क्लोजर कंपोजिशन बी इनवर्स बिल अगेन बी इन एच सो कंडीशन प्रूवड से नो अब आपने कॉलेज में कितना उसमें दुख सहा था अब आप क्रॉस चेक कर लीजिए ठीक <laughs> है अब आते हैं सफिशियंसी पार्ट के ऊपर राइट दिस वॉज बिट ईजियर सफिशियंसी भी ईजियर ही है ठीक है दूसरा है द सफिसियंट पार्ट इंटरेस्टिंग है कुछ ब्यूटिफुल ऑब्जर्वेशंस यहां पर होंगे जिनके लिए मी एज अ गाइड यू नीड ठीक है चलो सफिशियंट क्या है लेट एच बी अ नॉन इंपिटी अब आप कह रहे होंगे सर आप इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं नॉन एम्प्टी पे बार बार पता चलेगा अभी धैर्य रखिए लेट एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी ठीक है नाउ द कंडीशन ध्यान से देखिएगा द कंडीशन फॉर ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच एम्प्लाइज ए बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच इज सफिस फॉर एच स्टार टू बी ए सब ग्रुप ऑफ जी स्टार ठीक है एच स्टार टू बी ए सब ग्रुप ऑफ जी स्टार मीन्स अगर यह कंडीशन होल्ड कर जाए तो वो सब ग्रुप बन जाएगा और सब ग्रुप बनाने के लिए क्या होगा बाई द डेफिनेशन एच स्टार को ग्रुप के सारे एग्जाम्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा से यस और नो फेयर चले सो लेट्स ट्राई टू प्रूफ देखिए ध्यान से सभी लोग द वर्ड प्लीज क्या है सिंस एच इज नॉन एम्पिटी और यही ब्यूटीफुल है ब्यूटी टू स्टार्ट ओके okay. बुक में आपने इसी चीज को मिस कर दिया होगा मैं वही पर हिट कर देता हूं बाकी तो कलाकारी आपको पता ही है एच इज नॉन एम्प्टी सो लेट एटलीस्ट एक एलिमेंट तो एच में होगा तो मान लो मैंने इसको ऐसे लिख लिया सो बाई गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है कहां गया ए इनवर्स दैट इज ई बिलोंग्स टू एच बोलो हां या ना दिस इम्प्लाइज एच सेटिसफाइज आइडेंटिटी एक्सियम राइट और नॉट चलिए तो इसको ग्रुप दिखाने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई आइडेंटिटी से और अब आपको समझ में आया होगा कि सर नॉन एम्पिटी को इतना महत्व क्यों दे रहे थे आज उसी बुक को खोलिए जाके आज चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर ना आ जाएं तो कहना ठीक है चलिए सो एच सेटिस्फाइज आइडेंटिटी एक्सम राइट अब आगे बढ़ते हैं अब मान लो लेट ए बिलोंग्स टू एच है ना या फिर ई बिलोंग्स टू एच ए बिलोंग्स टू एच सो बाय गिवन कंडीशन ई ए इनवर्स इज एन एच इसका मतलब क्या हुआ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच यू हैव ए इनवर्स इन एच सो इनवर्स एग्जी सेटिस क्लियर और नॉट इनवर्स सेटिसफाई हो गया तो अब क्या कर सकते हैं मान लो ए बिलोंग्स टू एच बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स का इनवर्स दैट इज ए बी बिलोंग्स टू एच क्लोजर सेटिस्फाई हो गया कि नहीं सिंस एलिमेंट्स ऑफ एच आर कमिंग फ्रॉम जी इट क्यों क्योंकि एच तो सबसेट है जी का एंड जी स्टार इज अ ग्रुप और जी स्टार अगर ग्रुप है सो so जी के एलिमेंट एसोसिएटिविटी फॉलो करेंगे सो so एच के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी तो एसोसिएटिविटी फॉलो करेंगे आइडेंटिटी, इनवर्स क्लोजर एसोसिएटिविटी सो एच स्टार दीज फोर एग्जियम तो एच स्टार सब ग्रुप बना कि नहीं चूंकि एच जी का सबसेट लेकर चल रहे हैं और एच स्टार खुद में ग्रुप बन रहा है सो एच स्टार विल बी ए सब ग्रुप ऑफ जी स्टार क्या लेकर चले थे लेट दिस कंडीशन होल्ड और क्या प्रूफ कर दिया कि then h star is a subgroup of g star means the condition is sufficient for h to be a subgroup of g ठीक है और जब मैं h g h को g का सब ग्रुप बोल रहा हूं तो यहां ये वेल well अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली h star एंड g star वेयर स्टार मे बी एनी ऑफ द बाइनरी कंपोजिशन गिवन टू यू क्लियर है तो ब्यूटी टू स्टार्ट Non हर वर्ड का अपना महत्व होता है और यही इस कॉन्सेप्ट टॉक की ब्यूटी है कि ये कॉन्सेप्ट टॉक कोई फिलोसफी नहीं है ये हमेशा आपको एग्जाम की ओर टिल्ट करके रखता है कि डिमांड ऑफ एग्जाम कैसे एड्रेस करना है राइट सो वे टू में हमने क्या कहा कि हमारे पास सब ग्रुप्स के लिए कुछ इस टाइप का कंडीशन हो सकता है एक तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्या पता वो ये कंडीशन ही आपको प्रूफ करने को बोल दे तो मैंने आपको उसका प्रूफ भी सिखा दिया लगे हाथ आई विल नॉट फॉरगेट टू गिव यू एन एग्जाम्पल एज वेल फेयर कि वे टू का क्वेश्चन कैसे हम हैंडल कर सकते हैं देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए बोर्ड पर आइए मान लो मैं जनरल लीनियर ग्रुप ले लेता हूं फ यू हैविड डोट फॉर टू अटेंड द कॉन्प ट्रुप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट सो दट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ टू बाई टू रियल मैट्रसेस वेयर डिटर्मिनाट इज नॉन जीरो अब मान लो मैंने एक इसका सबसेट ले लिया दट इज ऑल दो कलेक्शन ऑफ मैटरसिस जिनका डिटर्मिनाट ना केवल नॉन जीरो हो बल्कि उनका डिटर्मिनाट फिक्स है वैल्यू वन रहना चाहिए सो so बेसिकली हमने स्पेशल ग्रुप और जनरल ग्रुप पढ़ रखे हैं ऑलरेडी अभी क्या है मैं जानना चाहता हूं वी वॉन्ट टू नो की एच इज अब ग्रुप ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दैट इज द क्वेश्चन इन माई माइंड कि क्या ऐसा होगा सो टू गिव दैट आंसर देखिए लेट ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच अगर ए एच में है तो उसका डिटर्मिनाट वैल्यू वन बी एच में है तो उसका डिटर्मेंट वैल्यू वन नाउ, अगर मैं ये देख लूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स क्या होगा वट डज इट एम्प्लाय दिस इंप्लाईज की ए बी इनवर्स का डिटर्मिनांट भी वन है और ये टू बाई टू की रियल मैटरेस है तो यह ए बी इनवर्स बी एच में जाएगा तो ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच वी हैव सोन ए बी इनवर्स इन एच सो देर फोर क्या बोलेंगे एच इज अब ग्रुप ऑफ जी मीन्स एस एल टू आर इन जनरल अगर आप कहें तो याद भी आप रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट है कि एस एल एन आर इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एल एन आर कोई दिक्कत तो वे टू को कैसे यूज करना है यह समझ में आया सबको से यस और नो। तो आज जब मैंने ये कॉन्सेप्ट टॉक स्टार्ट किया था अभी खत्म नहीं है अभी वे थ्री बचाया और वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है यहां से भी पूछता है वहां से भी पूछता है और उसी के लिए आप ये कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड कर रहे हैं सो जस्ट गिव मी फाइव मिनट्स मोर आई विल ट्राई टू समराइज दैट एज वेल फेयर सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस एग्जांपल्स ओवर दैट इफ यू नीड फ्रॉम माई साइड डू लेट मी नो आई विल कम इथ दैट दैट इज बल बट हियर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस की वॉट वॉज वे थ्री फॉर अस वे थ्री में क्या होता है वो कोई आपको जो नॉन ग्रुप्स हैं लाइक जेड एन लाइक एस थ्री लाइक यू ट्वेल्व यू एट यू एन इस टाइप के जो नॉन स्ट्रक्चर्स हैं या जेड के लिए मैंने बोला एम जेड टाइप के ही पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं तो इसके अंदर राइटिंग ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ अ गिव ग्रुप फॉर एग्जाम्पल जेड एन या जेड एट या जेड ट्वेल्व जेड ट्वेंटी आपसे बोला कि इनके सारे पॉसिबल सब ग्रुप्स लिखिए ठीक है क्या बोला इनके सारे पॉसिबल सब ग्रुप्स लिखिए तो हाउ टू राइट ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ अ गिव ग्रुप स्ट्रक्चर क्लियर है कहने का मतलब अब ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वे वन और वे टू के थ्रू समझिए बात को पूरा पिक्चर समझिए कि यहां पे क्रिएट क्या हो रहा है वट एवर द अंडरस्टैंडिंग वी कैरीड अवे फ्रॉम वे वन एंड वे टू वी विल यूज दैट एज वैकअप टू राइट ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स एज सिंपल एज पॉसिबल क्लियर है बात अब आप कहेंगे सर थोड़ा चमकाइए ना तब तो बात बने तो चमकाने में मैं हमेशा ही आगे रहता हूं है ना चमकाते हैं वे थ्री पर जाते हैं तो वे थ्री का एक तो मैं आपको एग्जाम पॉइंट करके जनरल वे बता दूंगा कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ग्रुप के जेडन के लिए आप लिख सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं कि कहने का मतलब क्या होता है यहां पर मेंटल एक्सरसाइज कैसे करनी पड़ती है ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल राइट ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ जेड सिक्स फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो Z6 स्ट्रक्चर क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अब मान लो आपने एक इस, इसका सबसेट ले लिया दिस इज ऑलवेज अब ग्रुप ठीक है और ग्रुप खुद का तो हमेशा सब ग्रुप होगा तो ये दो सब ग्रुप्स तो हमेशा मिल ही जाएंगे आपको इनको बोलेंगे ट्रीबियल सब ग्रुप्स ट्रीबियल सब ग्रुप्स कौन कौन से एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ सिंगलटन और दूसरा ग्रुप इट ठीक है बाकी के सब ग्रुप्स लिखने टाइम आपको यह ख्याल रखना पड़ेगा जो मेंटल एक्सरसाइज बैक ऑफ द माइंड में चलती है वो ये है कि अगर मान लो आपने यहां पर लिखा लेट एच इक्वल्स टू जीरो टू ले लिया ठीक है अगर यह सब ग्रुप बनना है जेड सिक्स का तो क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव भी करेगा लेकिन टू प्लस टू तो फोर हो गया बट फोर तो एच में है नहीं सो एच कैन नॉट बी क्लोज किसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो सिक्स सो एच कैन नॉट बी सब ग्रुप ऑफ जेट सिक्स अब आपने कहा सर जीरो वन को ले लें तो सेम प्रोसेस से आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं आपने कहा सर जीरो थ्री को ले लें तो थोड़ा सा मजा आ रहा है थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स इन मॉड्यूलो सिक्स जीरो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री नाइन नाइन इन मॉड्यूलो सिक्स थ्री सो दिस इज क्लोज एसोसिएटिव होगा क्योंकि जेड सिक्स के एलिमेंट्स है जीरो का इनवर्स इज जीरो थ्री का इनवर्स इज थ्री क्यों क्योंकि थ्री एडिशन मॉड्यूलो थ्री इज सिक्स सो दिस सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज सो दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड सिक्स तो एक सब ग्रुप ये मिल गया एक सब ग्रुप ये मिला है ऐसे ही एक सब ग्रुप आपको ये मिल गया जीरो थ्री वाला, राइट अब और कौन सा पॉसिबल सब ग्रुप यहां पर मिल सकता है अपने को मींस जो मेंटल एक्सरसाइज है वो ये चल रही है कि वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा के आगे बढ़ा जा सकता है और उसके बेस पर सारे पॉसिबल सब ग्रुप्स लिखे जा सकते हैं मींस उसके सबसेट्स लिखिए पहले और सबसेट्स में से वो सारे उनको एलिमिनेट कर दीजिए जो ग्रुप की किसी भी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हो अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा इसको समराइज करके बता देते तो मजा आ जाता तो मैं बता देता हूं इसको कि वे थ्री का एग्जाम पॉइंट क्या होने वाला है सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी ठीक है <laughs> दूसरा ये याद रख लीजिए नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड एन आर टाउ एन नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन अब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स फॉर एग्जांपल जेड सिक्स जेड सिक्स के पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा सिक्स होगा तो मींस फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड सिक्स आर तो वो होंगे टाउ सिक्स और टाउ सिक्स की वैल्यू इज फोर फॉर एग्जांपल ट्वेल्व एंड ऑल दिस यू कैन टॉक अबाउट राइट मेंटल एक्सरसाइज क्या है दिस इज द मेंटल एक्सरसाइज रिक्वायर्ड टू राइट पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ जेड एन ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो चिल्लाइए दिक्कत नहीं है तो जरा Z12 के पॉसिबल सब ग्रुप्स लिखकर बताइए रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ जेड ट्वेल्व एवरी वन विल ट्राई टू रिप्लाई व्हाट आर पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ जेड ट्वेल्व तो अब आप कहेंगे कि सर ये वाली एक्सरसाइज तो बहुत लेंदी हो जाएगी लेकिन यूपीएससी ने तो पूछा है तो सर ऐसे कब तक लिखेंगे आप कह सकते हैं ना तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी हो कि उपेंद्र सर को शायद इसका फॉर्मूला नहीं पता है कुछ और होता होगा लेट्स एक्सप्लोर ओवर द गूगल बाबा ठीक है तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा जितना एल्जिब्रा में मैं आपको बता दे रहा हूं आपको भटकने की जरूरत नहीं है यह विश्वास मानकर चलिए कि हाँ यही चीज है और इसी के बेस पर मुझे वो स्किल डेवलप करनी है मुझे वो मेंटल एक्सरसाइज करनी है कि, कि किसी भी Z20, Z12, Z18 के पॉसिबल सब ग्रुप्स कैसे लिखे जाने हैं यहां पर प्लीज से यश और नो सो वेन आई टॉक अबाउट वे वन वे टू वे थ्री और आज का लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्या कहा था टूटेंगे भ्रम धीरे धीरे है ना <laughs> तो कई सारे लोगों को ऐसा लगा था कि सर हमको सब ग्रुप तो बहुत अच्छे से आता है लेकिन मैंने यहाँ आपको बहुत अच्छे से ही ये बताने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ आप में गलती होने के चांसेस हैं किस किस चीज को यू कैन फॉरगेट to revise and recall and end of the day you may face a heavy penalty in your exam in case of less marks so this concept talk is not only about telling you the theories the theorems and proof it is more about exploring the things it is more about to make you feel what is the right way to prepare my dear fellows say yes or no so i hope व इंजॉयड टूडे सेशन आई विल नॉट फॉरगेट टू समराइज द थिंग्स तो सब ग्रुप के केस में क्या अपने को करना है अपने दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रखनी है हमें कि सब ग्रुप के लिए अपने को करना क्या क्या है ठीक है इसकी हिंट मैं दे दूं, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स इसके लिए ए बी इनवर्स ये हिंट है कंडीशन क्या है उसके बारे में ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन एनफ फॉर यू राइट वे थ्री में क्या है एक्सप्लोरिंग पॉसिबल ग्रुप्स और इसके लिए अपने को करनी है मेंटल एक्सरसाइज जैसे डीएन है डीएन के पॉसिबल सब ग्रुप्स जनरली हम लिख सकते हैं अगला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एस थ्री के पॉसिबल सब ग्रुप्स लिखना सो दैट इज द होमवर्क फ्रॉम माय साइड डोंट फॉरगेट टू राइट ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ एस थ्री विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डू रिप्लाई आई विल चेक दैट सो आई होप यू ऑल हैव इंजॉयड दिस जेडन के केस में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो जेडन की मेंटल एक्सरसाइज करना मैंने आपको बताया है इसके थ्रू आप उसके पॉसिबल सब ग्रुप्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड आई हैव डन समथिंग वंडरफुल यू इट विल डिपेंड ऑन योर फीडबैक एज वेल कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग गुड लक